So presenting to you a very talented actress and a sensational dancer, none other than Malika Sharawat. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप यहाँ म्यूजिक लॉन्च पे आए. थैंक यू सो मच. वैसे जब तक हम इंतजार कर रहे हैं और ये मंच पे मैं एक ऐसी शख्स के साथ हूँ जो सबसे हमारे देश में खूबसूरत भी मानी जाती हैं, तो उनसे एक सवाल पूछना चाहेंगे. एक बहुत ही चैलेंजिंग किरदार आपने निभाया है डर्टी पॉलिटिक्स में, अनोखी देवी का, तो आप इस किरदार के बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगी. वैसे 13 फरवरी 2015 को हम ये पूरी फिल्म तो देखेंगे ही थिएटर्स में, लेकिन अगर थोड़ी सी झलक आप दे देती हैं इस किरदार के बारे में प्लीज. पहले तो मुझे ये बताइए, आप सब लोग यहाँ आए, कौन सा गाना ज्यादा पसंद आया? मतलब कितने बेशरम हो ना सबके सब, सच सच बोलो. दूसरा पसंद आया क्यों? पहले वाले में क्या कमी थी? ये सब लड़के बहुत शैतान है यहाँ पे, बहुत ज्यादा. हेलो मलिका, शिखा फ्रॉम समय. हाय शिखा. हाय मलिका, आप ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन दोनों ही जगहों पे बहुत बेबाक और बिंदास दिखती हैं. फिल्म है डर्टी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को बड़ा डर्टी तरीके से दिखाया गया, रियल स्टोरी है. लेकिन अभी पिछला जो सिनारियो है पॉलिटिक्स का, बड़ी सारी महिलाएं जो हैं जो बहुत एम्बिशियस हैं, टैलेंटेड हैं, वो स्टाइल है, वो एंट्री कर रही हैं पॉलिटिक्स में. तो रियल में अगर आपको पॉलिटिक्स में इन्विटेशन आता है, बिकॉज आप भी बहुत बोल्ड और बिंदास हैं, कैपेबल हैं, तो क्या जाएंगी आप? अगर मोदी जी मुझे फाइनेंस ये फॉरेन मिनिस्टर बनाते हैं कि आपको हम फॉरेन मिनिस्टर बनाएंगे, तो मैं ज़रूर जाऊंगी. और मुझे लगता है पड़ोसियों से हमारे रिलेशनशिप जो है ना इंडिया की, उसमें भी सुधार आ जाएगा. नहीं, लेकिन वहाँ भी डर्टी पॉलिटिक्स होगी तो करेंगी? पॉलिटिक्स अच्छी भी होती है, डर्टी भी होती है. नहीं, आप क्या करेंगी? आई विल डू क्लीन पॉलिटिक्स. ओ माई गॉड. बिकॉज आई डोंट बिलीव इन डर्टी पॉलिटिक्स, एंड आई थिंक नॉट ओनली मी, एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, when he or she gets a chance, should strive to do clean and clean politics for a better India, for a better tomorrow. Malika, dusra sawal hai, abhi tak aap ek alag tarah ke genre wali films ke liye jani jati hain, lambe time ke baad aapki ye jo film aa rahi hai, strong character hai, real ek character hai jise aap play kar rahi hain on screen, so aapko kya lagta hai ki aapki jo image hai use is tarah ke character ke baad ek serious subject wali films ke liye utha payenge aapko aage? बहुत कम बार ही ऐसे होता है एक अभिनेता या अभिनेत्री के करियर में कि ऐसे रोल्स आते हैं जो ग्लैमरस भी हैं और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी हैं, और डर्टी पॉलिटिक्स जो है ऐसे ही रोल का मिश्रण है जिसमें ग्लैमर भी है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. आई एम रियली होपिंग आफ्टर दिस मूवी माई फैंस लाइक इट, द क्रिटिक्स लाइक इट, एंड सीरियस डायरेक्टर्स टेक नोटिस एंड ऑफर मी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पार्ट्स, नॉट ओनली ग्लैमरस पार्ट्स. Hi Malika, Abhishek here from Zoom. Hi Abhishek. The song looks amazing, and which one? The first one. Ye bataiye sach sach. Yeah, the first one. The first one, you like yeah. it? Yeah. jo film ki star cast hai kafi power packed hai. We can see Amrish Puri, Nasruddin Shah and Malika. Amrish Puri? Om Puri, yeah. So and Om Puri hai. बट वी कैन ओनली सी यू हियर, सो आप कह सकते हैं कि जो प्रमोशंस एंड जो मार्केटिंग का पूरा दारोमदार है बस आपके ऊपर है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जो हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ट्रेलर लॉन्च हुआ था, उसमें ओम जी, अनुपम खेर जी, गोविंद नामदेव, ये सभी यहाँ पे थे. आज मेरे ख्याल से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. अब आउट क्या हुआ था उनके साथ? वो जयपुर हैं. वो एंड किस तरह के प्लान्स हैं, किस तरह फिल्म को प्रमोट किया जाएगा? बिकॉज ये लीग से हटकर फिल्म है जो नॉर्मल हम देखते हैं जॉनर में, जो है ये हटके फिल्म है, किस तरह इसको प्रमोट किया जाएगा? जब आप बोलते हैं हटके फिल्म है तो आप थोड़ी क्लैरिटी दीजिए ना मुझे, इसका मतलब हटके फिल्म है मतलब? नॉर्मल रोम कॉम नहीं है, सीरियस फिल्म है, तो उसको किस तरह प्रमोट किया जाएगा? जिस तरह सीरियस फिल्म है तो उसे सीरियसली प्रमोट करेंगे. कुछ भी फिल्में फॉर सेंसेशनलिज्म या कॉन्ट्रोवर्सी के लिए नहीं डाला है. इट शोज अ वेरी वेरी डर्टी साइड ऑफ पॉलिटिक्स. डर्टी पॉलिटिक्स शोज अ वेरी वेरी एक्सप्लॉयटेटिव साइड ऑफ पॉलिटिक्स, वही दर्शाया गया है. सो देयर इज नथिंग दैट इज नॉट नेसेसरी इन द फिल्म.
हैप्पी न्यू ईयर मलिक. सुनाई नहीं दिया मुझे. नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको. आपको भी. पुकारिया साहब बहुत शिद्दत से फिल्म बनाई है लगता है आपने. बताइए कितनी मेहनत लगी आपको इस फिल्म में. एक आदमी 50 फिल्में 55 फिल्मों के बाद मेहनत वाली बात तो है नहीं. बस सीरियसली सिंसियरली अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है. मल्लिका ये आपकी कमबैक फिल्म क्या है. काफ़ी समय बाद वापस से कमबैक फिल्म. व्हाई कमबैक. मतलब काफ़ी समय बाद थोड़ी समय बाद आ रही है तो. एक साल ही तो हुआ है. बड़ा मिस किया आपने मुझे. फिर और क्या. यहाँ एक महीने नहीं दिखती है आप तो हालत खराब हो जाती है लोगों की. देखो यहाँ सभी शैतान नॉटी बॉय सवाल पूछ रहे हैं. मेरी सिस्टर्स आज बड़ी चुप चुप बैठी हैं यहाँ. मल्लिका काफ़ी लाइक आपने भी काफ़ी मेहनत की है इस फिल्म के लिए. कुछ बताएंगे. जी कुछ ज़्यादा नहीं करती. हर फिल्म में मेहनत करती हूँ मैं. और मल्लिका एक चीज़ ये थी कि आपको पता है अब नया सेंसर बोर्ड आ गया है. आपको लगता है फिल्म पास करा ली है या आप करवाएंगी. हो गई किसी कट के बगैर. वो भी आप कौन सी दुनिया में है. आपने सर्टिफिकेट दिखाया तो है नहीं अभी तक. और ये डायरेक्टर जी को बोलिए दिखा देंगे. जो दिखाया सब पास है. और अब जो दिख रहा है उसके बाद आपको लगता है कहीं रुक जाएगी फिल्म. ऐसा कुछ लगता है आपको. एक बार सर्टिफिकेट इश्यूड हो जाता है फिर कुछ नहीं होता है. तो एडल्ट फिल्म है यानी कि. एडल्ट है बट पास है सब. जो आप आगे पीछे सुन रहे देख रहे सब पास है. मल्लिका ये जो गाना था आपका कैसा रहा ये शूट करने में आपके लिए. कौन सा वाला गाना. दोनों. घाघरा एक राजस्थान में शूट किया था हमने. गणेश मास्टर जी के साथ शूट किया था. बहुत अच्छा रहा. और इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस शूटिंग द सॉन्ग. और दूसरा जो दूसरा गाना था एक्चुअली वो बहुत इम्पोर्टेंट गाना है फिल्म के लिए क्योंकि वो एक रिकॉर्डिंग कर रही है. तो हर डिटेल पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी था. एंड इन ऑल सीरियसनेस आई एम सेइंग बिकॉज वो सीडी रिकॉर्ड करी है. दैट सीडी इज़ अ इंश्योरेंस अगेंस्ट दैट करप्ट पॉलिटिशियन. उस सीडी के थ्रू ही वो अपना फ्यूचर आगे बढ़ा पाएगी. तो इसलिए. और ये गाना बहुत अनकंफर्टेबल था शूट करने के लिए. किसी भी एक्ट्रेस के लिए ये गाना ईजी नहीं हो सकता. मेरे लिए तो नहीं था. ओम जी इतने सीनियर एक्टर हैं. लेकिन ये गाना बहुत ज़रूरी था शूट करना फिल्म के लिए. थैंक यू. हेलो. मैं बोल रहा था कि माधुरी का एक गाना आया था घाघरे परी और वो टीवी का ब्रेकिंग न्यूज़ बना था. मतलब रियल में भी ऐसा हो गया था. आप अपने गाने को लेकर क्या सोचिए किस तरीके से वो सुर्खियां बनाएगा. आपको क्या लगता है. मैं तो मतलब आप जो बोलेंगी वो पहले सुनना है ना. मुझे तो गाना बहुत पसंद है और इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा है. तो मुझे लग रहा है कि ये गाना तो ज़रूर चलेगा. और लिरिक्स बहुत कैची है. घाघरा घमासान. हाय मल्लिका. हेलो. या आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अक्सर महिलाओं की बात करती हैं. महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं. अगर अनोखी देवी की हम बात करें तो किस तरह से वो महिला सशक्तिकरण का परिचय दे रही है. अनोखी जिंदगी में ऊपर आना चाह रही है. बहुत गरीब घर से है वो. और उस वो बहुत ही महत्वाकांक्षी औरत है. और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो अपने जिस्म का इस्तेमाल कर रही है एक शस्त्र की तरह. और उसे ये अच्छी तरह मालूम है. लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो पॉलिटिशियन है ओम जी का किरदार वो भी तो अपने जिस्म का इस्तेमाल कर रहा है अपनी वासना की पूर्ति के लिए. तो इतने सवाल अनोखी को लेके क्यों उठ रहे हैं. ये सवाल उस पॉलिटिशियन को लेके क्यों नहीं उठ रहे. दोनों ही अपने जिस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं. ये मैं सबसे यही सवाल पूछना चाहूँगी कि पॉलिटिशियन को कोई कुछ क्यों नहीं पूछ रहा. उनके बारे में उनके ऊपर उंगली क्यों नहीं उठा रहा. मल्लिका हाय दिस इज़ सोनिया हियर. मल्लिका आपने वेमेन एम्पावरमेंट की बात की है और अक्सर जब भी ऐसे आइटम नंबर्स रिलीज़ किए जाते हैं तो बहुत ऐसे सवाल उठते हैं कि वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है ऐसे गानों में. आपका इस बारे में क्या. पर्टिकुलरली इस गाने की बात नहीं कर रही बट जब भी आइटम नंबर्स आते हैं तो आपका इस बारे में क्या कहना है. मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन सिर्फ औरतों की नहीं होती लड़कों की भी होती है. जॉन अब्राहम इज़ एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिफाइड इन बॉलीवुड. कौन सी फिल्म थी उनका बड़ा फेमस एक बट शॉट था ना मुझे. हाँ तो इवन ही वॉज ऑब्जेक्टिफाइड. और हिंदुस्तान में नहीं विदेश में भी. ब्रैड पिट एंड जॉर्ज क्लूनी इज ऑब्जेक्टिफाइड ऑल्सो. सो दिस इज अ विजुअल मीडियम. ऑल एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस आर ऑब्जेक्टिफाइड. हेलो
लेकिन सवाल ये है जो आपने मुझसे पूछा, ऑब्जेक्टिफिकेशन है, लेकिन हमारे ही समाज में ये सवाल औरतों को लेके क्यों उठते हैं? दिस वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स, और कहीं नहीं उठते. अब ये आइटम नंबर हीरोज भी तो करते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता. मल्लिका, प्रियंका भी अब फिल्म कर रही है मैडम जी, वो भी पॉलिटिशियंस पर ही आधारित है. डू यू सी द कंपटीशन विद हर? क्या कंपटीशन, कहाँ का कंपटीशन. प्रियंका पीछे, आप आगे. मैडम जी और डर्टी पॉलिटिक्स दोनों एक ही रिंग में खड़ी हैं. लेट द बेस्ट विन. डर्टी पॉलिटिक्स का कोई कंपटीशन नहीं है और मैडम जी तो बिल्कुल भी नहीं है कंपटीशन. क्यों? ये मेरी सोच है, ये मुझे ऐसा लगता है. मैंने वो फिल्म देखी नहीं है, लेकिन मैंने डर्टी पॉलिटिक्स देखी और मुझे लगता है डर्टी पॉलिटिक्स एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है. कितने करोड़ बना लेगी फिल्म? इसका जवाब मैं नहीं दे सकती. आई एम नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटर, आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर. तो मापदंड क्या रहेंगे, मतलब व्हाट विल बी द? ये बुकाड़िया जी बताएंगे. भाई वो जब खुद पे बात आती तो आप टाल देती हो. हाँ, मतलब जब कोई सवाल आप पर आता है तो. बट आई डोंट नो द आंसर. आई डोंट नो हाउ मच मनी द मूवी विल मेक. मुझे नहीं मालूम. मैं कोई बनिया थोड़ी हूँ जो बैठ के अपना. ये तो बनियों का काम है. तो फिर अकाउंटेंट्स का काम है. एंड आई मीन दैट इन ऑल रिस्पेक्ट. तो फिर यार्डस्टिक क्या रहेगा सक्सेस का? सक्सेस का यार्डस्टिक ये रहेगा दैट पीपल हु हैव पुट इन मनी शुड नॉट लूज मनी, बिकॉज एवरी एक्टर डायरेक्टर हैज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड द अदर यार्डस्टिक इज दैट माई फैंस शुड लाइक इट, दे शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड. फॉर मी दीज आर द टू यार्डस्टिक्स एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई ओन परफॉर्मेंस. आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतने अच्छे NSD एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला. That is my yardstick. All the best. Thank you. मलिका जी, सिंस बहन मान रही हैं आप हम सबको, तो बहन के नाते एक सवाल पूछना चाहूंगी. जी. When do you plan to settle in personal life? ये क्या सवाल पूछ लिया आपने? हम डर्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं. हम चाहते हैं दीदी की शादी में डांस करें. तो करेंगे आप लोग? पर मुझे लगता है मेरी किस्मत में ना धक्के खाना ही लिखा है. What kind of a man are you looking for? मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं. मुझे बुकाड़े जी डर्टी पॉलिटिक्स की प्रमोशन से फुर्सत दें तो शायद मैं सोच लूं. कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके कुछ? जी, एक फूल बने अंगारे का रीमेक है, एक और फिल्म की बात चल रही है, उसकी अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द होगी. हाय मलिका, रसप्रीत हियर फ्रॉम जी न्यूज. मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना. अच्छा, है अच्छा, अब मेरी बहनों की आवाज आ रही है, मुझे तक पहुंच रही है. हाँ, जैसे कि अभी कुछ ही टाइम में बजट आने वाला है, तो आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी हमारे बजट से, हिंदुस्तान के बजट से? कि जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उसको वो बजट सूट करना चाहिए, कि देश की उन्नति उसी से होगी. और कुछ ऐसा एग्जाम्पल आप बता सकती है, जैसे क्या कॉमन मैन की जरूरत है आपके हिसाब से? आई थिंक सबसे बड़ी ज़रूरत कॉमन मैन की है अ करप्शन फ्री गवर्नमेंट एंड एजुकेशन. देर शुड बी लॉट ऑफ अटेंशन पेड टू एजुकेशन. ओके, एंड जैसे कि उन्होंने कहा कि आजकल की मूवीज बिना सर पैर के होती, आपका क्या मानना है इस बारे में? देखिए, ये तो अपना अपना पर्सनल नज़रिया है. मुझे कुछ मूवीज पसंद आती हैं, कुछ नहीं पसंद आती. आपको भी कुछ मूवीज पसंद आती हैं, कुछ नहीं पसंद आती. ओके, थैंक यू.